हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्लोज HDFC टू व्हीलर लोन। अगर दोस्तों आपने अपना सारा लोन क्लियर कर दिया है, उसके बाद भी क्लोज होता हुआ आपको शो नहीं कर रहा है, तब आपको यहां पे क्या करना है, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको जीमेल ओपन करके एक ईमेल लिख के अपने बैंक को यहाँ पे सेंड करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो आइए सबसे पहले जीमेल ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है, तो आपको भी फॉलो करना है। आइए ओपन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको नेम का कॉलम लिखना है और उसमें अपना पूरा नाम लिख देना है। फिर आपको स्पेस देना है और यहाँ पर नंबर का कॉलम लिखना है। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर इधर पे डाल देना है, क्योंकि कस्टमर केयर का कॉल भी आ सकता है आपको। फिर आपको स्पेस देके रिक्वेस्ट का कॉलम लिखना है और रिक्वेस्ट के कॉलम में आपको एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना है, प्लीज़ फोर क्लोज माई HDFC टू व्हीलर लोन। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना है, ऊपर सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको लिखना है HDFC टू व्हीलर लोन फॉर क्लोज रिक्वेस्ट, इतना आपको लिखना है। फिर आपको सबसे लास्ट में HDFC बैंक की जीमेल आईडी डाल देना है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी और अगर आपके पास ऐप होगा तो वहाँ से भी मिल जाएगी। वहाँ से कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है और अपना ईमेल आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर और करेक्ट होनी चाहिए और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको अपना ईमेल सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 24 घंटे के अंदर आपका जो लोन यहाँ पर है टू व्हीलर का वो क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको ईमेल करके रिक्वेस्ट करना है और ये तभी हो पाएगा जब आपकी सारी EMI या फिर आपका जो ड्यू है वो क्लियर होना चाहिए और अगर आपने कोई फाइन है तो वो भी आपको क्लियर रखना है, उसके बाद ही रिक्वेस्ट करना है। जब आपकी सारी पेमेंट हो जाती है और उसके बाद भी आपको शो करता है कि आपका क्लोज नहीं हुआ है लोन, तब आपको रिक्वेस्ट करना है, तो हो जाएगा क्लोज। और एक बार आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर से भी कॉल करके बात कर लेना है कि मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप मेरा क्लोज कर दो, तो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको रिक्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना आपका टू व्हीलर लोन क्लोज हुआ है या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। ओके बाय।